नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। न्यू कांटी थाना क्षेत्र में नहर में मिला व्यक्ति का शव, मौत संदेह के घेरे में। ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज स्कूल में ही लगेगा टीका। एक माह से छका रहा था मगरमच्छ, पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। रविवार 2 जनवरी सुबह 8:30 बजे उज्जैन दर्शन करने जाते समय न्यू कामठी के गादा गांव में उपेंद्र शिवदास गुप्ता और उसके 3 दोस्त शौच के लिए रुके। चारों गाड़ी खड़ा करके शौच के लिए गए, परंतु तीनों मित्र शौच करके वापस आने पर उन्हें उपेंद्र दिखाई नहीं दिया। ढूंढने पर उपेंद्र का शव नहर में तैरता हुआ दिखाई दिया। उपेंद्र के तीनों मित्र गौरव, ओम प्रकाश व्यास और अजय साहू शौच करके वापस आए तो उन्हें उपेंद्र दिखाई नहीं दिया। वे उसे खोजने लगे तो उन्हें उपेंद्र का नहर में उल्टा पानी में तैरता दिखाई दिया। फरियादी अजय साहू ने पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंचकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उपेंद्र की मौत संदेह के घेरे में बताई जा रही है, क्योंकि उपेंद्र के सिर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं और नहर में डूबने लायक पानी भी नहीं था। इस मामले की पूरी जांच कामठी पुलिस कर रही है। अगली खबर, कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती देख 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों का स्कूल कॉलेज में ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाली भीड़ से बचने के लिए विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन के लिए नियोजन की जिम्मेदारी मुख्य अध्यापकों पर डाली गई है। उपाध्यक्ष तथा स्वास्थ्य समिति सभापति सुमित्रा कुंभारे की अध्यक्षता में बैठक ली गई। केंद्र सरकार के 15 से 18 आयु वर्ग तथा 60 वर्ष से आगे के आयु वर्ग को बूस्टर डोज देने के निर्णय पर तैयारी का जायजा लिया गया। अगली खबर, उपराजधानी की नाग नदी में करीब एक माह से 2 किलोमीटर के दायरे में घूमते रहने वाले लगभग 3.5 फीट के मगरमच्छ को सांगली से आई रेस्क्यू टीम ने पकड़ लिया है। इसके पीछे वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के स्वयंसेवकों की कड़ी मेहनत जुड़ी है। हर रोज करीब 6 घंटे वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के सचिव नीतीश भादंकर व सोसाइटी के स्वयंसेवक राकेश भोयर, साहिल शरणागत, गौरांग वाईकर, पंकज बादुले, अनुप सातपुते और अशोक नजर रख रहे थे। स्वयंसेवकों की माने तो 3 से 4 दिन में वह पुराना ठिकाना बदल दिया करता था। इसी के साथ देश दुनिया के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।